तो जिसका इंतजार था और जिसका भर भर के प्रमोशन चल रहा था, आखिरकार वो मूवी थिएटर्स में आ गई है। हालांकि जब ये मूवी थिएटर्स में आई उसी दिन मैंने इस मूवी को देख लिया और हर बार की तरह मैंने सोचा कि यार इस मूवी को जिस दिन देखूंगा उसी दिन इसका रिव्यू कर दूंगा, लेकिन नहीं, वो चीजें हो कहां रही है, लेट रिव्यू करने की आदत जो पड़ गई है। खैर, आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे डेडपूल एंड वॉल्वरीन मूवी के बारे में, या डेडपूल 3 मूवी कह लो इसको। इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 2 घंटे के आसपास है, 8 या 10 मिनट ऊपर ही समझ लो। तो मूवी कितनी ज्यादा डिसअपॉइंट करती है या हमारी उम्मीदों पर खरी उतरती है, इस पर जाने से पहले जो इसकी सिंपल सी कहानी है उसकी चर्चा कर लेते हैं। वेड विल्सन एक निराश, थका हारा हुआ डेडपूल जिसने अपने आप को डेडपूल बनाना बंद कर दिया है, लेकिन उसे जब पता चलता है कि उसकी दुनिया पर अब खतरा आ गया है, अपनी दुनिया को बचाना है, लेकिन इसके लिए उसको वॉल्वरीन की जरूरत पड़ेगी, वो भी वॉल्वरीन ऐसा जो बहुत ज्यादा निराश है, एकदम थका हुआ है, हारा हुआ है। अब इन दोनों की टीम कैसे बनती है, कैसे ये दोनों आगे काम करते हैं, देखो इसके लिए तो आपको थिएटर जाना पड़ेगा, आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहां नहीं बताने वाला। बस इतनी ही कहानी समझ लो, जितना मुझे लगा कि हाँ इतना बहुत है बताना उतना ही मैंने बताया। अब जो मूवी में बेस्ट बेस्ट चीजें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले एक चीज की आप सोचें कि क्या हमें इसके जो पिछले वाले 2 पार्ट्स हैं, यानी कि डेडपूल की दो पहले मूवी आई है, क्या उनको देखना जरूरी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पहली बार ये डेडपूल 3 मूवी देखने जा रहे हो, यानी डेडपूल वॉल्वरीन वाली मूवी देखने जा रहे हो, तो आपको पिछली वाली मूवीज की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई भी इसके अंदर कनेक्शन है ही नहीं, जो इसकी सबसे अच्छी बात है। और शायद कुछ लोग अब ये बोलेंगे कि टीवी के लिए तो कुछ आपको अलग देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि यार हाँ उतना ज्यादा कोई इतना कॉन्सेप्ट भी इसका भारी नहीं है, टीवी वाला टाइम वेरिएंट वाला कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट भी नहीं है इसके अंदर कि आपको वो सब चीजें देखनी पड़ेंगी। डेफिनेटली आप इसको वन टाइम अगर आप पहली बार देखने जा रहे हो तो डेफिनेटली आप इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। पूरी की पूरी मूवी जो है वो एंटरटेनिंग है। डेडपूल के जो डायलॉग है वो बहुत ज्यादा कमाल के हैं। सबसे बढ़िया जो मजा आया डेडपूल और वॉल्वरीन आपस में कैसे मिलते हैं, फिर ये दोनों आगे कैसे जो मतलब इनकी टीम बनती है, कैसे इनके बीच में फाइट होती है। अब आप देखिए कि वॉल्वरीन का जो कैरेक्टर हमने देखा है आज तक, भाई साहब वो एकदम सीरियस बंदा है, उसको मजाक तो पता ही नहीं है क्या होता है, बस वो अपने आप को हमेशा गुस्से में ही रखता है। वहीं डेडपूल का अगर आप कैरेक्टर देखेंगे ना, एकदम बड़बोला है, मतलब बकलोल आदमी है। डेडपूल को बस हर टाइम बकवास करनी है। अब आप सोचो कि एक इंसान जो बिल्कुल सीरियस है उसे इतना ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, वहीं एक ऐसा इंसान है जो बोले बिना रह ही नहीं सकता और बोलेगा भी ऐसी चीजें, भाई साहब वो सामने वाले के दिमाग में दर्द कर देगा, इतना ज्यादा वो बकवास करता है। अब ये दोनों एक टीम बनते हैं, मतलब दोनों आपस में मिलते हैं, अब वो कैसे सामने चीजें आती हैं, फुली एंटरटेनिंग होती है, फाइट होती है, बढ़िया बढ़िया फाइट होती है, स्लो मोशन में चीजें हमें देखने को मिलती है, कॉमेडी भरपूर है इसके अंदर, और इन दोनों की केमिस्ट्री यानी कि डेडपूल और वॉल्वरीन की वो कमाल की है। यानी ह्यूज जैकमैन और रायन रेनॉल्ड्स की जो केमिस्ट्री निकल कर हमारे सामने आई है, वो चुम्बेश्वर लेवल की, इतनी बढ़िया उनकी परफॉर्मेंस रही है, इतने बढ़िया उनके डायलॉग रहे हैं, इतनी बढ़िया एक एंटरटेनिंग मूवी रही है, मतलब आप शुरू से लेकर आखिर तक आपका टाइम कब बीतेगा पता ही नहीं चलेगा। और एक और जो चीज मुझे सबसे बढ़िया लगी इस मूवी में कि जो ये दोनों कैरेक्टर हैं, चाहे डेडपूल का हो चाहे वॉल्वरीन का हो, मार्वल ने डिज्नी ने किसी ने भी इनके साथ कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की है। क्योंकि जैसे हमने देखा है कि मार्वल का अभी हाल ही में जैसा हाल चल रहा है, मूवी जो इनकी लास्ट मूवी आई थी, मतलब मूवीज तो बहुत सारी आ गई है, वेब सीरीज भी इनकी बहुत सारी आ गई है, लेकिन जो मुझे लगता है कि उनके बाद इनका करियर थोड़ा खतरे में आ गया, एंड गेम जो मूवी थी उसके बाद ये थोड़े डगमगा गए, कोई भी बढ़िया वेब सीरीज नहीं निकाल पाए। हालांकि इन्होंने कोशिश की, जैसे शी हल्क निकाली, नहीं वो भी इतनी नहीं चली, या विंटर सोल्जर के साथ फॉल्कन जो एक वेब सीरीज आई थी वो भी इतनी नहीं चली, एक निक फ्यूरी की सीरीज आई थी वो भी इतनी नहीं थी खास, इसके अलावा वोंडा विजन की थी वो भी मैंने इतनी मतलब कंप्लीट तक नहीं की, मैंने मुझे इतनी ज्यादा बोरियत उसके अंदर हुई। फिर इसके बाद जो मूवीज आई थोर की लव एंड थंडर करके, मार्वल की मिस मार्वल करके एक मूवी आई, वो इतनी मूवी खास नहीं चली है जिस तरीके का हाल मार्वल का रहा है। और इन्होंने इसके चलते भी भाई साहब जो इस मूवी में हमें डायलॉग देखने को मिलते हैं इनके ऊपर भी इन्होंने टोन मारी है, मतलब कि हाँ देखो यार मार्वल का कितना बुरा हाल हो गया है, अब इन्होंने फॉक्स वालों ने वॉल्वरीन को मारा, डिज्नी वालों ने जिंदा किया, अब मार्वल वाले भाई साहब 100 साल तक इनको निचोड़ेंगे। तो इस तरीके के इन्होंने जो टोंट मारे हैं, एक तरीके से मार्वल को अपनी गलती का एहसास हुआ है कि यार हाँ गलती तो कहीं ना कहीं हुई है, ये बार बार जो मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट ला के खुद का बेड़ा गर्क कर डाला है ना, तो इससे शायद आने वाले टाइम में कुछ चीजें हमें बेहतर देखने को मिलेंगी। और डेडपूल का वाकई में बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने कोई भी चेंजेस किए बगैर, इवन जो पहले वाली जो 2 मूवीज थी ना उससे भी कहीं ज्यादा बेटर जो है आपको ये 3rd मूवी देखने को मिलेगी। तो देखो जो मैंने उम्मीदें इस मूवी से लगाई थी वो तो यार भाई साहब कंप्लीट हो जाती हैं, मतलब कि वो उससे भी ज्यादा मुझे इस मूवी के अंदर एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है। डेडपूल का जो एक डायलॉग है यार वो फुली मतलब थिएटर्स में तो बहुत जोर जोर से लोग हंस रहे थे, इतना ज्यादा मजा आ रहा था। वॉल्वरीन का कैरेक्टर जो हमें देखने को मिलता है और जैसी वो फाइटिंग हमारे सामने होती है, जैसे वो शीशे तोड़ कर निकलते हैं, वो यार इतने जबरदस्त होते हैं यार, बार बार उन सीन को देखने की इच्छा हो रही थी, लेकिन थिएटर्स में वो चीजें पॉसिबल तो नहीं है। इतना ज्यादा एंजॉय किया इस मूवी को और भर भर के इस मूवी के अंदर कैमियो है, अगर आपने बहुत पुरानी मूवीज देखी हैं तो डेफिनेटली आपको वो समझ में आ जाएंगे। खैर मैं इससे ज्यादा नहीं बता
बता सकता, वरना आप लोगों को स्पॉइलर मिल जाएंगे। अब इतनी अच्छी अच्छी बातें हो गई इस मूवी की, क्या कोई कमी नहीं है? डेफिनेटली इसके अंदर कुछ कमियां हैं, जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं कि इसके अंदर हमें कोई कहानी देखने को मिलेगी, तो नहीं, आपको कोई कहानी इसके अंदर बढ़िया नहीं मिलेगी। कोई बस ठीक है, वोल्वरिन और डेडपूल को मिला दिया गया है जैसे तैसे, लेकिन आपको इसमें कोई स्टोरी, जो मूवी की स्टोरी है, वो इतनी कुछ खास नजर नहीं आएगी। लेकिन मूवी इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग होने के कारण, देखो हम जाते ही क्यों मूवी के अंदर एंटरटेनमेंट के लिए, और वो चीज इसके अंदर मिल रही थी, तो मुझे नहीं लगता कि आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा कि हाँ कहानी नहीं है, कहानी मिसिंग है। मेरा इसलिए गया क्योंकि मुझे रिव्यू करना होता है, कुछ ना कुछ तो कमियां निकालू ना, फिर कहेंगे कि यार तू तो तारीफ ही करी जा रहा है। और वैसे इस मूवी की जो जान है वो रयान रेनॉल्ड और ह्यूज जैकमैन ही दोनों ही है, मतलब उनकी जो केमिस्ट्री हमारे सामने आई है वो फुली एंटरटेनिंग है यार। एक जो हिंदी डबिंग को लेकर मुझे लगा कि यार इसमें बॉलीवुड का रेफरेंस फिर से मार दिया गया, वो शायद थोड़ा कम कर देना चाहिए था। बाकी मुझे इतना नहीं पता क्योंकि मैंने इंग्लिश वर्जन इसका नहीं देखा कि हिंदी डबिंग कैसी हुई है, वर्ड टू वर्ड हुई है, मुझे वो नहीं चीजें नहीं पता। और वैसे मन था यार इस मूवी को एक बार और देखने का, लेकिन वो इंग्लिश में नहीं, वो हिंदी में देखने का मन है अपने दोस्तों के साथ। अभी तो अकेले गया था, डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा, क्योंकि वाकई में ये मूवी डिजर्व करती है भाई साहब, इसको आप 2-3 बार तो देखो ही देखो, इतनी बढ़िया मूवी बनाई है। तो मेरी तरफ से देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 9/10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी, और नहीं देखिए तो वेट किसका कर रहे हो। हाँ, बच्चों के लिए नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि इसके अंदर अब शब्द बोले गए हैं, कल चीजें बोली गई हैं, तो इसका ध्यान रखना, अडल्ट ही इस मूवी को देखने जाए, क्योंकि एक अडल्ट मूवी ही है। खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।